हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे मैथ्स ट्रिक्स कि कोई भी कैलकुलेशन आप 5 सेकंड में कैसे करें, इनफैक्ट उससे कम समय में। तो सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी। लाइक अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, या कोई भी 5 की सीरीज है, लाइक 35 का स्क्वायर टिल 95, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब ये मैं कैसे निकाल पाई? कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी इजी। सपोज 25 है तो इसके जो आगे वाला नंबर क्या होता है, 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, एंड 5 का स्क्वायर हमें पता ही होता है 25, वो 25 लगा देना है। अब मान लो हमें 35 का निकालना है, तो 3 के आगे क्या होता है, 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देना। 3 4 12, एंड 25 आपको लगाना ही है पीछे। अब 45 का, अब खुद बताओ, 4 के आगे 5 होता है, 4 5 20, एंड 25 आपको लगाना ही है। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो अब मान लो 95 का निकालना है, तो क्या होगा, 9 के आगे 10 आता है, 9 10 90, मतलब आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना एंड पीछे 25 लगा देना, वेरी इजी। अब 85 का निकालना है मुझे, तो 8 टाइम्स 72, 7 2 2 5, इट्स वेरी इजी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी ट्रिक। जैसे कोई भी आपके पास 98 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मतलब जो 90s की सीरीज है या 100 के पास है, बेसिकली ये समझ लीजिए। मान लो आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो आपके 97 हो गया, 98 हो गया, इनका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, सिर्फ 2 सेकंड में। आपको कुछ नहीं करना, इसको 100 से कंपेयर किया, 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, तो 2 इसमें से माइनस कर दिया, दैट इज 96, एंड इसी 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 9604। मान लो अब 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 इसमें से माइनस किया, 97 में से 3 गया, तो कितना बचा, 94, और 3 का स्क्वायर 9। अच्छा 09 हमने क्यों लिखा है, 2 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट में लिखेंगे। अब हमें 96 का निकालना है, 96 में 4 कम है, तो 4 इसमें से माइनस किए, 96 में से 4 गए, 92, एंड 4 का स्क्वायर 16, तो 9216, इट्स वेरी इजी। अब आपको 99 का निकालना है सपोज, तो क्या करोगे, 91 कम है, तो इसमें से 1 माइनस कर दिया, 98, एंड 1 का स्क्वायर 101, ठीक है, 9801, इट्स वेरी इजी, कोई कुछ भी नहीं करना। अब मान लो 95 को मैंने ऑलरेडी पिछली वाली ट्रिक से बताया था, तो 9 10 90 25, अगर आपको इस वाली ट्रिक से करोगे तो कैसे करोगे, कि 5 कम है तो 5 इसमें से माइनस कर दिए, तो 90 आ गया, एंड आपको 5 का ही स्क्वायर करना है 25। ये दोनों ट्रिक से करोगे दोनों आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ नए और बताती हूँ। लाइक अगर आपको 101 का स्क्वायर निकालना है, टिल 110, ये कोई भी नंबर तक जा सकता है, बट मैं 100 के आसपास का ही बता रही हूँ। तो जैसे अब इसको फिर 100 से कंपेयर किया, अब क्या है, ये 1 ज्यादा है, तो इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो ये 1 ज्यादा है, तो 1 इसमें ऐड किया, तो बेसिकली 101 में 1 ऐड किया, दैट इज 2, एंड 1 का ही स्क्वायर किया, तो 01। अब जैसे 103 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें ये 3 ज्यादा है 100 से, तो इसमें 3 प्लस कर दिया, दैट इज 106, एंड 3 का ही स्क्वायर कर दिया, 09। मान लो 102 का निकालना है, तो क्या करोगे, 2 ज्यादा है, तो 2 को उसमें प्लस किया, 104, एंड 2 का ही स्क्वायर कर दिया, वेरी इजी। अब जैसे 104 का निकालना है आपको सपोज, तो 4 ज्यादा है, तो 108, एंड 4 का ही स्क्वायर, 10816। अब 105 का, अब दोनों ट्रिक से निकाल सकते हो, तो क्या होगा, 5 ज्यादा है, पहले तो 5 ज्यादा है, तो 5 इसमें ऐड कर दिया, दैट इज 1110, एंड 5 का स्क्वायर कर दिया, ये आंसर आ गया, इट्स वेरी इजी, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। अब मैं आपको फोर्थ ट्रिक बताती हूँ। जैसे कोई भी 2 डिजिट वाले हैं, उनको मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 22, एक मैंने ले लिया 13, इनको आप 2 सेकंड में कैसे करोगे, आप इनको ऐसे लिख लो, एंड इनको आपको कैसे करना है, तो बस एक ट्रिक ध्यान रखना, ये यानी कि इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। मैं दोबारा से ये नंबर लिख देती हूँ, अब आप देखिए, तो पहले मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, ठीक है। अब ये आपस में किया, 2 3 6, 2 1 2, इनको ऐड कर लिया, 6 2 8, अब इनको 2 1 2 हो गया, इट्स वेरी इजी। अब कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अब जैसे मैंने लिया 1, एंड जैसे ये ले लिया मैंने, आपस में मल्टीप्लाई किया 6 1 6, फिर इसको किया 6 1 6, 1 1 1 प्लस 7, 6 1 6 प्लस 1, ओके 1 1 1,
और मैं आपको अगर इसको इजी स्टेप्स में करके दिखाऊं तो स्टेप नंबर वन है आपका, पहले 1 × 6 किया, दैट इज 6, ये पीछे वाला आ गया। स्टेप नंबर टू मैंने किया 1 × 6 आपस में मल्टीप्लाई किया एंड देन प्लस 1 × 1 दैट इज दिस, फिर प्लस कर दिया तो क्या हुआ 1 × 1 6, 1 × 1 7, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 1 दैट इज 1, तो आ गया 176। समझ में आया? मैं आपको एक और नंबर करके दिखाती हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट ले लेते हैं। 35 लिया, 76 ले लिया, ठीक है। आपको इसको मल्टीप्लीकेशन करना है 5 सेकेंड में, तो वही पहले 5 × 6 किया, 5 × 6 = 30, 3 मैंने ऐसे कैरी कर लिया। अब 3 × 6 = 18 लिखा, 7 × 5 = 35 लिखा, इन तीनों को ऐड कर लिया, 5 + 8, 8 + 3 = 11, 11 = 16, ठीक है। 4 × 5 = 56 हुआ, तो 6 यहाँ लिखा, 5 पीछे छोड़ दिया, 7 × 3 = 21, 21 में 5 प्लस किया 26, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है कि अगर आपका ऐड आप इजीली कर सकते हो तो बेसिकली करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और जो कैरी वाला है वो भी नंबर ऐड करना है, तो दोनों करके ये किया एंड 5 फिर छोड़ दिया, फिर 7 × 3 = 21 प्लस में 5 के ये 26 हो गया। मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 17, एक मैंने ले लिया 21, ठीक है। 1 × 7 = 7, 1 × 1 = 1, 7 × 2 = 14, 14 + 1 = 15, 1 लिखा, 2 × 1 = 2, 3, 1 ऐड कर लिया तो 357, वेरी इजी। मैं आपको अब बताती हूँ 3 डिजिट वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने लिया 1, 2, 3 and 2, 2, 3, सपोज ये नंबर किया है और मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसका वही ट्रिक है, ऐसे किया, ऐसे किया, ये ध्यान में रखो, पीछे से करते जाएंगे। इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे एंड देन ये मल्टीप्लाई होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपस में करना, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब ये दोनों नंबर दे, 3 × 2 = 6 and 2 × 3 = 6, 6 + 6 = 12, 1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये वाला जो है ये पार्ट कैसे करेंगे, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6, 6 + 3 = 9, और ये 2 × 2 = 4, 9 + 4 = 13, 13 + 1 = 14, 1 मैंने फिर लिख दिया। अच्छा अब ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, 7, अब 2 × 1 = 2, ये इसका आंसर है। कुछ भी नहीं करना, अगर मैं इसको इजीली स्टेप में दोबारा बताऊं तो स्टेप नंबर 1 दैट इज 3 × 3 किया मैंने, दैट इज 9, ठीक है। स्टेप नंबर 2, 2 × 3 + 2 × 3, दोबारा से 3 × 3 का ये समझ लो आप, एंड दैट इज 2 × 6, 6 + 12, ठीक है। स्टेप नंबर 3, 3 × 1 + 2 × 3 + 2 × 2, दैट इज क्या आया, 3 × 1 = 3, 2 × 3 = 6, 6 + 9, 2 × 4, 3, 6, 4, 10, 13, और 1 नंबर जो हमारा पहले का था 12 में से हमें 1 कैरी करना है, दैट इज आपका आ गया 14, ठीक है। ये 13 हुआ, बेसिकली आपको कैरी भी करना है, तो वो पिछला नंबर कैरी किया तो 14 हो गया, 14 हुआ, 1 फिर कैरी करोगे। स्टेप नंबर 4, देन अगेन 2 × 1 + 2 × 2 एंड लास्ट वाला स्टेप, स्टेप 5, 1 × 2, और ये प्लीज कैरी करने वाला मत भूल जाना, जो इसका 12 है तो 2 ही लिखेंगे, 1 आगे चला जाएगा, तो 13 है तो 14 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 1 आगे कैरी होगा, तो ये ऐसे होगा। मैं एक और आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, तो एक और नंबर करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने किया, मैंने लिया 3, 2, 1, 6, 2, 1, सपोज इनको मल्टे, तो 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, तो 2, 2 + 4 हो गया। अच्छा 1 × 3 = 3, 6 × 1 = 6, 2 × 2 = 4, तो 6 × 4 = 10, 13, ठीक है, 1 मेरा कैरी हो गया। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो 12 + 6 = 18, 19, फिर 1 बच गया। 3 × 6 = 18 + 9 = 19, ये इसका आंसर है। इजी ना, मैं एक और नंबर ले लेती हूँ,
वन टू थ्री, थ्री टू वन, कुछ भी आप नंबर ले सकते हो। तो वन थ्री जर थ्री, वन टू जर टू, टू थ्री जर सिक्स, सिक्स टू एट, वन वन जर वन, थ्री थ्री जर नाइन, टू टू जर फोर, तो नाइन टेन फोर्टीन, फिर वन बच गया। टू वन जर टू, थ्री टू जर सिक्स, तो सिक्स टू प्लस एट नाइन, थ्री वन जा थ्री, आ गया इसका आंसर। कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब आपस में आप खुद बस वो एड ऑन आपको करने रहना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ, आप मन में भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो आपको मैंने पांच ट्रिक्स बताई हैं। पहले आपको फाइव का कोई भी नंबर होगा जिसमें फाइव एंडिंग होगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देन मैंने आपको बताया टू डिजिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे या थ्री डिजिट मल्टीप्लीकेशन का कैलकुलेशन करेंगे कैसे करेंगे, और हंड्रेड के आसपास जो नंबर हैं जिसे कम है तो वो कैसे करेंगे और ज़्यादा है तो वो कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, एंड कमेंट भी करें अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू वेरी मच।